ओके बच्चों आवर क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स हैज डन नाउ द टर्म इज फॉर एक्सरसाइज नंबर सी टेक द करेक्ट आंसर ओके सो चलिए देखते हैं हमारे यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट है हमारा हु रोड द पोएम ने वाइट मैन नेक्स्ट है हमारा आर डब्ल्यू इमर्सन एंड रॉबर्ट फॉर्स्ट जेन अस्तैन तो हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी आर डब्ल्यू इमर्सन स्पेलिंग यहां पे हमें एक्सचेंज करनी होगी ई एम ई आर एस ओ एन ओके वेरी गुड नेक्स्ट है हमारा नॉट गुड बट वनली फ्रम द प्लान कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग तो यहां पे क्या होगा द पोएट द मैन द सोल्जर्स द पॉलिटिशियंस तो ऑप्शन नंबर बी द मैन नॉट ओनली नॉट गुड बट वनली द मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग सो क्या होगा हमारा यहाँ पे द मैन ओके नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर डी मैच द रमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स ओके हमें यहां पर राममिंग वर्ड सेलेक्ट करने हैं जि जिसका फ्लुएंसी या टोन सेम होगा कॉलम ए एंड कॉलम बी फर्स्ट हमें देखना है मेक मेक का हमारा रैमिंग वर्ड होगा शेक ओके देट इज फर्स्ट सेकेंड है हमारा स्ट्रोंग स्ट्रांग का रैमिंग वर्ड होगा हमारा लॉन्ग ट इज नंबर टू ओके देन स्लीप स्लीप का रैमिंग वर्ड होगा हमारा डीप ओके दिस इज नंबर थ्री एंड नंबर फोर हमारा फ्लाई फ्लाई का रैमिंग वर्ड होगा स्काई वेरी गुड नेक्स्ट है हमारा फाइव नंबर फाइव अदर्स अदर्स का रैमिंग वर्ड हम लिखेंगे पिलर ओके एंड लास्ट है हमारा मैन मैन का रैमिंग वर्ड होगा हमारा कैन okay now the chapter has been done now okay and for any further information about your subject related topic you can contact on these numbers numbers on your home screen okay so keep learning stay safe and don't forget to subscribe your school youtube channel somesh singh convent school thank you